जैसलमेर का मैन जो स्थान है। तो साथियों फाइनली हमारी जो जैसलमेर की यात्रा थी वो शुरू हो गई है। उससे पहले हम थोड़ा जायका लेंगे जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जहाँ का, यानी कि मैंने पहली बार देख रहा हूँ। अब वैसे ये क्या बताया था आपने? दाल पकवान। दाल पकवान वैसे बनाना कैसे बनाते हैं इसको ज़रा बताना थोड़ा सा। तो ये क्या डाला आपने? दाल है और दाल ऊपर ये मिर्ची डाला है। काफ़ी तेज़ होता है मिर्ची? आप चाहेंगे वैसे हो जाएगा। वैसे हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ का फेमस है ना ये आपका? तो साथ ही यहाँ पर काफ़ी मतलब जिसका जो मेन फेमस है यहाँ का है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है। हम थोड़ा जाकर लेंगे यहाँ से, जो कि फर्स्ट टाइम मेरा जी खाने का होगा। थोड़ा भैया तीखा थोड़ा कम देना मेरे लिए है। अभी तो आके डटा यार, थोड़ा गंदे होने दे, रेगिस्तान घूमने दे, तब करवाएंगे ना आप। तो साथ ही ये है जो कि यहाँ का फ्लेवर, टेक्सचर फ्लेवर बाकी ज़बरदस्त है। थोड़ा टेस्ट कर जायका लेंगे। आराम से बैठ गए। हाँ हाँ, ये है जो कि दाल पापड़ है और ये बाकी थोड़ा मीठा, मैंने कम बोला था, मीठा काफ़ी कम है। इसको मिक्स कीजिए सब चीज़ों को, जो मिक्स करना है। तो अंकल जी बता रहे हैं कि ये मिक्स करना है। फिर उसके बाद नींबू निचोड़ी है और ये थोड़ा सा नींबू मैं निचोड़ लेता हूँ। बाकी कमाल का जी, बहुत अच्छी जो है मतलब यहाँ का सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट है, हल्का फुल्का। तो मतलब यहाँ की जो फेमस चीज़ सबसे पहले खा ली हमने। यस, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्या यहाँ का फेमस? अच्छा, यहाँ का फेमस में स्वीट में है घोटवा। घोटवा किधर मिलता है? आज फेमस शॉप है धनराज भाटिया की, उसकी उसमें मिलता है। अच्छा, अपने गोपा चौक में है वो दुकान। आप यहीं से नो करो? नहीं, मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हो? कितने दिनों का प्लान था आपका? मेरा तो इधर शॉप डाल रखी है सर। इसकी शॉप है? मेरी हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। क्या क्या देते हैं उसमें? मेरा सभी है, ज्वेलरी है, वुडन का है, गारमेंट्स है। तो इसमें बताइए आपका शॉप कहाँ पर, एड्रेस दे दीजिए। मेरा जैसलमेर से 55 किलोमीटर पहले है। जैसलमेर से 55? वहाँ पर अगर कोई घूमने जाता है तो कैसे क्या है? रिसोर्ट है। रिसोर्ट है वहाँ पर? वो रेगिस्तान में पड़ता है क्या? नहीं, आउट में है। अच्छा, ऑफ में है वो। तो आप ही खुद बनाते हो क्या? बाहर नहीं, परचेज करते। तो अंकल जी ने काफ़ी असिस्ट किया मेरे को, इसके बारे में बताया। अब आपसे हम थोड़ा सा टूर करेंगे और बाकी सब हम बताएँगे। तो साथियों हम अपनी यात्रा को जारी रखते हुए हम आ पहुँचे हैं गड़ीसर लेक। यहाँ पर 14वीं शताब्दी में बनाया गया एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि जैसलमेर की शान है और जैसलमेर का एकमात्र जो वाटर कंजर्वेशन के रूप में उपयोग में किया जाता है। यानी कि पहले पानी यहाँ पर काफ़ी सालों तक भरने के बाद में काफ़ी साल तक चलता था। अब यहाँ पर अब भी आप देखोगे तो पानी यहाँ का कभी सूखता नहीं है। कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से यहाँ पर पानी भरा जाता है, तो ये यहाँ पर जो लेक है वो कभी भी नहीं सूखती है। तो काफ़ी यहाँ पर पर्यटक आते हैं, यहाँ का लुफ्त उठाते हैं, यहाँ की जो बोट करते हैं, बोटिंग करते हैं। फिर बोटिंग करने के बाद यहाँ पर जो चारों बगल से यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं और शादियों यहाँ पर छतरी में बनी हुई हैं। जो गड़ीसर लेक है उसके सेंटर में बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। आप देखिए उनकी विशेषता हम बताएंगे कि वो किस। और यहाँ पर जो सामने जो अभी गेट देख पा रहे हैं यह है तालों की पोल। तालों की पोल का तो आप मतलब समझते हैं गेट हैं, जो कि राजस्थानी भाषा में पोलों को गेट कहते हैं।
और दूसरी तालों की जो एक नृत्यांगना थी जो कि लखनऊ से यहाँ के राजा लेके आए थे 19वीं शताब्दी में, तो उनके नाम से ये गेट बनाया गया था और ये तालों की पुल है। और हम ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर आपको बताएंगे, इसका विवरण देंगे। काफ़ी यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती रही है, जैसे कि मेला फिल्म की शूटिंग है। यह यहाँ पर गढ़ी सर लेक, अभी यहाँ पर जो बीच वाला आप सेंटर जो छतरी देख रहे हैं, यहाँ पर राजाएं बैठा करते थे और जहाँ से फिर इसका लुफ्त उठाया करते थे झील का। घूम के आयो? अच्छा, काफी अच्छा सुंदर दृश्य, बहुत ही उम्दा, मजा आ गया भाई, कमाल का है। मतलब ये तो काफी गहरा भी होगा अंकल जी, है ना? अच्छा, सुना जाता है ये बीच बीच में जो बने हुए वहां पर नृत्यांगना नाच किया करती थी और कुछ क्या नाम था ये महिला के नाम से यहाँ पर छतरी बनाई है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से आप देख सकते हैं चारों बगल, जो कि अच्छा ये बीच में क्या पानी के बीच में मंदिर वगैरह बने हुए हैं। कमाल का व्यू है, ये पूरा गढ़ी सर आप देख सकते हैं, गढ़ी सर लेक यहाँ का जो व्यू है वाकई जबरदस्त है। पीछे छोटी छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पर, तो साथियों यहाँ से आप मज़ा ले सकते हैं पूरे जैसलमेर का। ये देख सकते हैं जैसलमेर का सोनार किला, जो कि सूरज की रोशनी में चमकता हुआ सोने की तरह। और ये यहाँ का जो सिटी है वो पहाड़ी स्तर पर बना हुआ है पूरा सिटी, कमाल का। और साथियों ये जो कड़ीसल लेक है, यहाँ से अब साथी यहाँ से देखने के बाद हम सीधे चलेंगे पटवों की हवेली, वहाँ पर आपसे हम मिलते हैं फिर।